हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। सो दिस इज़ आवर पार्ट टू लेक्चर ऑफ AFB प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चन कंपाइलेशन। तो AFB यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ये पार्ट टू लेक्चर है। तो हम लोग इससे पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन DSCR से पूछा गया है। DSCR क्या होता है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। देखिए, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपया एक महीने का। मंथली एवरेज इंटरेस्ट दे रखा है टर्म लोन पे वो 5,000 रुपया है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीस दे रखा है 30,000 पर एनम। और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,70,000। तो पूछा है कि DSCR कितना होगा। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, DSCR का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। PAT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो PAT कितना है दोस्तों? PAT है 2,70,000। डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों? डेप्रिसिएशन है 30,000 रुपया। एनुअल इंटरेस्ट कितना है? तो एनुअल इंटरेस्ट है दोस्तों आपका 60,000। क्योंकि देखिए, कैसे आपने एनुअल इंटरेस्ट निकाला है, क्योंकि मंथली एवरेज इंटरेस्ट है 5,000, इसको 12 से गुना कर देंगे तो 60,000 नहीं हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 60,000 एनुअल इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 10। एनुअल इंस्टॉलमेंट है दोस्तों पर मंथ है 1,20,000 होगा। एक जीरो छूट गया है, इसको क्लियर कर लीजिए, एक जीरो यहाँ गलती से छूट गया है 1,00,000। क्योंकि देखिए, 10,000 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नीचे में 1,80,000 आएगा, ऊपर में 3,60,000 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो DSCR कितना होगा दोस्तों? 2। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, DSCR का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है 5.7500, फॉरवर्ड पीरियड दे रखा है 120 डेज, नंबर ऑफ डेज इन ईयर कर रहा है 360 डेज, फॉरवर्ड पॉइंट दे रखा है 0.02625। तो पूछा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होगा। दोस्तों, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए और इस तरह के PDF को आप फ्रीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपसे पूछा गया है कि बताओ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे आप इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं, P R T/100 होता है ना, बस उसी को यूज करके निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.3696, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पासबुक है वो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट ₹9,750 का, और चेक जो है 7,750 रुपये का प्रेजेंट किया गया, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो ओवरड्राफ्ट जो है 700 रुपये से बढ़ जाएगा, ओवरड्राफ्ट 700 रुपये से 750 रुपये से घट जाएगा, कैशबुक ये घट सकता है, बढ़ सकता है 750 रुपये से, और चेक का पेमेंट जो है डिनाइड होगा या नन ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों, क्या सही जवाब है? तो उसका सही जवाब है, जैसे देखिए, ओवरड्राफ्ट का कितना शो कर रहा है पासबुक 9,750, और चेक जो है 750 प्रेजेंट किया गया, ऑब्वियसली बात है ओवरड्राफ्ट आपका 750 से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्स क्या होते हैं? तो बिल्स नॉमिनल होते हैं, रियल होते हैं, पर्सनल होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, बताइए क्या होता है दोस्तों? तो बिल एक तरह का रियल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों कि डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्स लिमिटेड है 0.5, ठीक है, 0.5:1। तो इनमें से कौन सा इंक्रीज या डिक्रीज होने पर डेप्ट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं होगा? मतलब आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन से फैक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे जिसके कारण से डेप्ट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला है फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी आप इक्विटी शेयर और इशू करेंगे। दूसरा है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज, चौथा है दोस्तों नो चेंज, और पाँचवा है दोस्तों नन ऑफ द अबव। दोस्तों, सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए, एज्यूम कीजिए कि 1,00,000 वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर है इशू किया गया, ये क्या करेगा? आपके इंटरनल फंड को बढ़ा देगा 11,00,000 तक, क्योंकि अभी 10,00,000 था तो 1,00,000 इशू किया, 11,00,000 बढ़ा देगा, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 0.545:1। तो क्योंकि 5,00,000 को नोमिनेटर में लिखेंगे, 11,00,000 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यदि आप फर्दर इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या करता है? घटा देता है, समझे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर सेकंड देखिए, यदि आपको डेटर से कैश मिला तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। बताइए, आपको डेटर से कैश मिला, तो जब आपको कैश डेटर से मिलेगा ना, वो क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल फंड को अनचेंज रखेगा, क्योंकि ये केवल करंट एसेट के कंपोजिशन को अफेक्ट करेगा। आपको डेटर से कैश मिला तो ये आपका करंट एसेट का जो कंपोजिशन है केवल उसी को अफेक्ट करेगा, इंटरनल फंड या एक्सटर्नल फंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे बात को? इसीलिए दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो अनचेंज रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट होगा, फिर दोस्तों आपने गुड्स को बेचा कैश बेसिस पे, बताइए अब डेप्ट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, यदि आपने गुड्स को कैश बेसिस पे बेचा तो
तब भी रेशियो वही का वही रहेगा, क्योंकि गुड्स को सेल करना कैश बेसिस पे कि ना ही डेब्ट को इफेक्ट करता है ना ही इक्विटी को इफेक्ट करता है। दोस्तों यदि आपको डिटेल में समझना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है तो हमारा वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। वीडियो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। उसमें दोस्तों मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो को अच्छे से समझाया है कि कौन सा फैक्टर डेब्ट इक्विटी रेशियो को इफेक्ट करता है, होता क्या है इसका मीनिंग, इसको मैंने कुछ एग्जांपल के द्वारा भी समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, नो चेंज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे ना तो ये घटेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का डिबेंचर है, उसे आपने रिडीम किया तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो 4 लाख पहुंच जाएगा। अभी 5 लाख का था, आप चूंकि आपने डिबेंचर को रिडीम कर लिया 1 लाख का, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना हो जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 0.4:1 हो जाएगा। तो यदि आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो ये आपके डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या करेगा, घटा देगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, बताइए DER पे क्या फिर पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, रन ऑफ द अबव। तो यदि आप गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करेंगे दोस्तों तो ये भी रेशियो को अनचेंज रखेगा, क्योंकि गुड्स को परचेज करना क्रेडिट पे ना ही डेब्ट को ना ही इक्विटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा क्लासिफाई है इंटेंजिबल एसेट में। ऑप्शन है ट्रेडमार्क, ब्रांड, गुडविल, फिर दोस्तों नेक्स्ट है माइनिंग राइट, नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ए ऑप्शन है 1 & 2, 3 & 4, 1, 2 & 3, 1, 2, 3 & 4। बताइए इंटेंजिबल एसेट में किसे आप क्लासिफाई करेंगे, बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका तीनों। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर को छोड़ दीजिए आप, ट्रेडमार्क, गुडविल, माइनिंग राइट, ये सभी दोस्तों आपके इंटेंजिबल एसेट के पार्ट्स हैं, केवल कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है इसको जो एलोकेट किया जाएगा उसके बिजनेस को, तो ये वायलेट करता है किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। देखिए हर एक चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सो इफ़ यू वांट PDF काइंडली व्हाट्सएप योर नंबर ऑन द स्क्रीन। दोस्तों पूछा जा रहा है कि ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है उसके बिजनेस का, वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मैटरलिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसका सही जवाब है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ऑनर्स का जो प्राइवेट एक्सपेंस होता है इसका जो एलोकेशन होता है दोस्तों ये वायलेट करता है किसे, दिस वायलेट्स द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर जिसको बैंक में यूज किया जाता है उसके पास क्या होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, बाइनरी होता है, नन ऑफ द अबव है। बताइए दोस्तों जिस कंप्यूटर को आप बैंक में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ना डिजिटल है, ना एनालॉग है, ना बाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब भी आपका स्टॉक का लॉस होता है किसी चोरी के कारण या फायर के कारण, तो इसे क्या माना जाएगा, टोटल लॉस माना जाएगा, नॉर्मल लॉस माना जाएगा, कंटिजेंट लॉस माना जाएगा, या एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। दोस्तों इसे माना जाता है हमारा एबनॉर्मल लॉस, ऑप्शन नंबर डी। लॉसेस का भी बहुत सारा टाइप्स होते हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2500 रुपये का सम है जो कि फर्म स्पेंड की, खर्च की ताकि अपने वॉर नॉट पार्ट को रिप्लेस कर सके, तो इसको क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि ये जो आपका 2500 रुपये का खर्च हुआ ताकि वॉर नॉट पार्ट को रिप्लेस कर सकें, दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्निक में जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से यूज किया जाता है जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, NPV मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनी ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको यूज किया जाएगा जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करेंगे। तो बताइए दोस्तों किस टेक्निक में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज किया जाता है तब ताकि आप जो है इवैल्यूएट कर सके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को, तो सही जवाब है दोस्तों इसका NPV मेथड यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखिए अब एक क्वेश्चन है, किसी फर्म का कैपिटल है 35 लाख में होगा दोस्तों, रिजर्व है 11 लाख, डिवेंचर है 80 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, बताइए दोस्तों कैसे आप DER निकालेंगे। तो DER देखिए सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना हो गया इसमें, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 80 है, टेंजिबल नेटवर्थ कितना है दोस्तों, टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, देखिए 35 कैपिटल है, रिजर्व है 11, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 46, उसमें से आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 6 का उसको माइनस कर लीजिए, यानी 40 हो जाएगा इसका टेंजिबल नेटवर्थ। तो आपका DER क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, तो डेब्ट हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि 80, और आपका इक्विटी क्या हो गया जो आपका टेंजिबल नेटवर्थ है जो कि 40 है, तो 80/40 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको शॉर्ट में GAAP कहते हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको पहला ऑप्शन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड GASB। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आइदर 1 और 2, बोथ 1 और 2। सही जवाब है दोस्तों इसका बोथ 1 और 2। सो फ्रेंड्स, इफ यू रिक्वायर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट फॉर JIB, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल हेल्प यू इन द व्हाट एवर वे पॉसिबल आई हैव, सो दैट यू कैन कवर योर इंटायर सिलेबस विद इन द स्पैन ऑफ 20 डेज पीरियड एंड यू विल अचीव द फ्लाइंग कलर मार्क्स इन योर अपकमिंग CIB एग्जामिनेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि करंट रेशियो दे रखा है 2:1, क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, करंट लायबिलिटी है 1,60,000 का, तो इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, सिंपल सी बात है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इन्होंने दे रखा है 1,60,000 का, तो देखिए तो 1,60,000 का आप क्विक एसेट निकाल सकते हैं ना, तो क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? तो 1,60,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? 2,40,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2,40,000 का क्विक एसेट। और आपका करंट एसेट कितना हो जाएगा? तो 3,20,000 का करंट एसेट हो जाएगा, राइट? तो 3,20,000 का करंट एसेट है और क्विक एसेट है आपका कितना का बताइए? 2,40,000 का। तो आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बेसिकली वैसा एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, क्विक एसेट होता नहीं है, तो दोनों को माइनस कर लीजिए, यानी 3,20,000 को में से 2,40,000 को माइनस कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्विक रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो होता क्या है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक, एक्चुअली स्टॉक होगा, स्टॉक गलती से लिखा गया है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, ESOP। तो ऑप्शन ए है कि गाइडलाइन सेबी इशू करती है, एम्प्लॉय शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ESOP इज राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉय के लिए, और इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी समय एम्प्लॉय के द्वारा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, कभी भी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बाकी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ जानकारी दी गई है आपको कैलकुलेट करने, देखिए इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, शुरुआत में इन्वेंट्री कितना है, ठीक है, दे रखा है इन्होंने 18,000 का, एंड में इन्वेंट्री कितना है 22,000 का, नेट परचेज कितना है 46,000 का, वेजेस कितना है 14,000 का, रेवेन्यू कितना है ऑपरेशन से 80,000 का, कैरेज इन्वर्ट कितना है 4,000 का। तो इस डाटा से आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? तो इन्वेंट्री इन बिगनिंग प्लस नेट परचेज, देखिए मैं आपको फॉर्मूला शो करता हूँ, लेट मी शो यू द फॉर्मूला। देखिए इन्वेंट्री इन द बिगनिंग प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इन्वर्ट माइनस इन्वेंट्री एट द एंड। तो 18,000 प्लस 46,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 माइनस 22,000, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। तो ये आपका मिलेगा 60,000 रुपया। सिंपल सी बात है, आप बिगनिंग में इन्वेंट्री ले लीजिए, उसके बाद नेट परचेज ले लीजिए, उसके बाद वेजेस ले लीजिए, कैरेज इन्वर्ट ले लीजिए, उसमें से इन्वेंट्री एट द एंड को माइनस कर लीजिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, यानी कि 60,000 का आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है 20,000 40,000 60,000 80,000। दोस्तों एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री शुरू में कितना था, इन्वेंट्री बाद में कितना है, और उसको 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 18,000 प्लस 22,000 अपन 2 यानी 20,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपने समय दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नोमिनेटर में लिख दीजिए और एवरेज इन्वेंट्री को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 60,000 को नोमिनेटर में, 20,000 को डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, यानी 3 times हो जाएगा। दोस्तों पूछा जा रहा है कि माइनर के केस में जो एक्सेप्टेबल KYC डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट? नेचुरल गार्जियन, लीगल गार्जियन, माइनर खुद होता है, और गार्जियन जो कि अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों माइनर के केस में जो है एक्सेप्टेबल KYC डॉक्यूमेंट होता है जो गार्जियन जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KYC रिक्वायरमेंट कम से कम KYC जो है कितने साल में किया जाए हर एक हाई रिस्क कस्टमर के लिए अपडेट किया जाए? तो दोस्तों सही जवाब है इसका 2 साल में, हाई रिस्क में 2 साल है दोस्तों। फिर पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट सर्टेन थिंग नीड टू बी कंसिडर्ड विच इज़ नॉट ट्रू। यदि आप किसी अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है यदि ज्वाइंट अकाउंट रहे तो एक अकाउंट होल्डर जो है रिक्वेस्ट लेटर को साइन कर सकता है अकाउंट के क्लोजर के लिए, अकाउंट होल्डर सरेंडर करेगा न्यूज चेक को और पासबुक को। क्लोजिंग के बाद यदि पासबुक कस्टमर को रिक्वायर किया जा रही है तो रिटर्न कर सकता है, मार्किंग कर सकता है अकाउंट क्लोज, और सारा का सारा सही है। दोस्तों बताइए क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट अकाउंट के केस में एक अकाउंट होल्डर जो है रिक्वेस्ट लेटर को साइन करेगा अकाउंट के क्लोजर के लिए। DEF स्कीम में अमाउंट जो है अनक्लेम रह जाएगा मोर देन कितने साल के लिए, उसे क्रेडिट किया जाएगा इस फंड में विद इन पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। दोस्तों DEF स्कीम में याद रखिएगा कि यदि कोई अमाउंट अनक्लेम है, ठीक है, 10 साल के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो उसे क्रेडिट किया जाएगा इस फंड में विद इन पीरियड ऑफ थ्री मंथ, 3 महीने के अंदर क्रेडिट किया जाएगा एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी किसी बिल को एक पार्टी ड्रॉ करती है दूसरे पार्टी पे, तो इनमें से कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। सही जवाब है दोस्तों इसका डेटर अकाउंट। तो जब भी किसी बिल को ड्रॉ किया जाएगा एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी पे, तो उसका डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट टू लेक्चर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।